हेलो वेलकम ऑन ए टू जेड। फर्स्ट बात करते हैं मिस्टर इंडियन हैकर के वीडियो शेड्यूल के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि मिस्टर इंडियन हैकर का ये वाला वीडियो 17 जुलाई को आया था एंड ये वाला वीडियो 24 जुलाई को आया था। 24 जुलाई को जो वीडियो आया था उसमें कार का एक्सीडेंट हो गया था दीवार के साथ में, जिसके कारण दीवार भी टूट गई थी, आपको ये चीज पता ही है। लेकिन जो 17 जुलाई को वीडियो आया था उसी में, उस वीडियो में भी ये जो दीवार है वो टूटी हुई थी। आप में से काफी लोगों ने शायद ही नोटिस किया था, लेकिन मैंने इस चीज को नोटिस किया था। और आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो 17 जुलाई को वीडियो आया था उसके पीछे ये जो दीवार है ये टूटी हुई दिखाई दे रही है। जब ये वीडियो शूट हो रहा था तब ये दीवार जो थी वो टूटी थी, एंड मतलब इस वीडियो से पहले ये वाला वीडियो शूट हुआ था, लेकिन फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ था ये वाला बाइक वाला वीडियो फर्स्ट अपलोड हुआ था। और एंड लगभग 7 से 8 दिनों के बाद में ये कार वाला वीडियो अपलोड हुआ था। क्या आपको इससे पहले इस हिडन फैक्ट के बारे में पता था? और गाइज मैं आपको एक चैनल के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट लवर। आप क्रेजी एक्स वाई जेड के वीडियो देखते हो, एक्सपेरिमेंट किंग के वीडियो देखते हो, लेकिन वैसे ही एक और चैनल है एक्सपेरिमेंट लवर जो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये कुछ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की लिंक दी गई है, उसे भी जाके जरूर चेकआउट करना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, भाई वाले वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, और भाई काफी तगड़े एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं। एंड सेकंड बात करते हैं मिस्टर इंडियन हैकर एंड एवन एडवेंचर के बारे में। एवन एडवेंचर के उमेश सिंह रावत ने अपने इंस्टा पर एक रील शेयर की थी, जिसके कमेंट सेक्शन में मिस्टर इंडियन हैकर मतलब दिलराज सिंह रावत ने कमेंट किया था। और ऐसा फर्स्ट टाइम है कि दिलराज भैया ने किसी वीडियो के किसी भी रील के नीचे कमेंट किया। और आप अभी स्क्रीन पे कमेंट भी दे सकते हो। क्या गाइज आपको इन दोनों फैक्ट के बारे में पहले पता था नहीं पता था? वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसा ही फैक्ट इस चैनल पे आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोगों।